हेलो ऑल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पैच के बारे में जाना था, इस लेक्चर में हम लोग पुट के बारे में जानेंगे। दोनों अपडेट के लिए यूज़ आते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे पैच यूज़ करना है, कहाँ पे पुट यूज़ करना है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गो। पुट का जो मेजर काम है कि यहाँ पे हमें पूरा के पूरा डेटा ही अपडेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन पेज है आपका, तो पूरा रजिस्ट्रेशन पेज का जो भी डेटा है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हॉबी, सब कुछ अपडेट होगा। सपोर्ट मतलब पूरा के पूरा एक तरह से आप नया क्रिएट कर रहे हो, नया क्रिएट नहीं कर रहे आप ऐसा बोल सकते हो, तो एक तरह से आप किसी भी एक आइटम को कम्प्लीटली रिप्लेस कर रहे हो। सो दैट कम्स विथ पुट। So put is a method of modifying resources where the client sends the data that updates the entire resource. कि जहाँ पे वो पूरे entire resources को update कर सके, it is used to set an entity's information completely. Put is similar to the post in that it can create resources, but it does so when there is a defined URI. So put जो है वो पोस्ट के जैसा ही होता है, मगर यहाँ पे वो नया रिसोर्स क्रिएट नहीं करता, वो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को ही ओवरराइड करता है। सो जैसे अगर आपको किसी इंसान का फर्स्ट नेम चेंज करना है डेटाबेस में, तो आपको उसके एंटायर रिसोर्सेज को चेंज करना पड़ेगा अगर आप पुट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो। तो सपोज दिस इज अ कार्ट, और मुझे कार्ट के अंदर रिप्लेस करना है एक आइटम, कि कार्ट है, कार्ट में मुझे उसकी क्वांटिटी या कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, उस पूरे प्रोडक्ट को हटा के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर आना है। क्रिएट न्यू कार्ट, एड आइटम टू कार्ट, रिप्लेस एन आइटम इन द कार्ट। सो यहां से हमने ये पूरा कॉपी किया और हमने अपडेट अ प्रोडक्ट में यहाँ पे पूरा भेज दिया। अब यहाँ पे मुझे कार्ट की आईडी देना है, तो अगेन जो हमने गेट कार्ट किया था, यहाँ से मुझे कार्ट की आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने पूरा कार्ट की आईडी कर दी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए आइटम आईडी, अगेन गेट कार्ट के अंदर आइटम, गेट कार्ट, गेट कार्ट, गेट आइटम, दिस इज माय आइटम आईडी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हमारा कार्ट का आइटम आईडी। अब आते हैं हम बॉडी में। अब बॉडी में मुझे प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों अलग देने हैं, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में जाते हैं एंड देन मेक इट, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी लिखा और क्वांटिटी कर दिया मैंने, इंस्टेड ऑफ 7 आई एम मेकिंग अ क्वांटिटी 5। नाउ सेव एंड ओवरराइड एंड देन सेंड। सो 204 आया, इसका मतलब आपका डेटा अपडेट हो गया है। सो लेट्स डू गेट कार्ट आइटम सेंड। सी हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया विद दिस प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी हो गई 5। तो हमने पूरा के पूरा क्वांटिटी जो है उसी को रिप्लेस कर दिया। सो पुट जो होता है वो आपके एंटायर डेटा को अपडेट करता है। सो दिस इज अबाउट पुट।